शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वीकली इक्विटी कमोडिटी करेंसी मार्केट के वीकली आउटलुक पर। इस आउटलुक में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स और मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इक्विटी मार्केट से। हमने देखा कि डाउ जोन्स हालांकि नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होता हुआ देखा गया, मगर अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स में करीबन 3% ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। सेंसेक्स करीबन 59,276 के स्तर बंद होता हुआ देखा गया, वहीं हमने देखा निफ्टी में भी करीबन 17,670 के स्तर देखने को मिले। तो दोनों ही सेगमेंट पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए देखे गए। जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दी, रशिया यूक्रेन से बातचीत होती हुई दिखाई दी, क्रूड के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए और साथ में करेंसी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी, तो हमने देखा कि इक्विटी मार्केट के अंदर भी रंगत लौटती हुई दिखाई दी। हालांकि अगले हफ्ते भी हमें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। इक्विटी मार्केट के अंदर हम अगेन एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। जहाँ तक सपोर्ट लेवल की बात है, निफ्टी में करीबन सपोर्ट लेवल रहेगा 17,200 से लेकर 16,800, रेजिस्टेंस रहेगा 17,900 से लेकर 18,300। हमें लगता है निफ्टी के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, ऊपर में टारगेट 17,900 से लेकर 18,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। जहाँ हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट आते हुए देखी, जहाँ हमने इक्विटी मार्केट में रिकवरी होती हुई देखी, वहीं हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में एक नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। इक्विटी मार्केट बढ़त के साथ बंद हुई तो हमने देखा गोल्ड सिल्वर के अंदर एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड होता हुआ देखा गया। हालांकि अगर हम देखें तो क्रूड के अंदर भी एक नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड के भाव करीबन हमने देखे 1.49% की गिरावट के साथ 51,606 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम स्पॉट गोल्ड की बात करें तो वहाँ पर भी करीबन $1,924 पर आउंस के लेवल देखने को मिले। गोल्ड में सपोर्ट लेवल 51,100 से लेकर 50,700, रेजिस्टेंस 52,100 से लेकर 52,500 का रहेगा। हमें लगता है गोल्ड के अंदर कुछ और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और गोल्ड के भाव 51,100 से लेकर 51,000 तक के लेवल को दिखा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $1,910 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के भावों में भी करीबन 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और सिल्वर के भाव 66,733 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। सिल्वर में महत्वपूर्ण सपोर्ट 65,500 से लेकर 64,000, रेजिस्टेंस 68,000 से लेकर 69,500 के आसपास हो सकता है। हमें लगता है सिल्वर के भावों में भी मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है और भाव नीचे में 66,000 से लेकर 65,500 तक दिखा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $24 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में बढ़त आई है तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमने एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इक्विटी मार्केट की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखा है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स कमोडिटीज से निकलकर इक्विटी मार्केट की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे रशिया यूक्रेन में पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए दिख रहा है, वहाँ पर हमने इक्विटी मार्केट में बढ़त बनते हुए देखी है। अब हम बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर के भावों में हमने मामूली गिरावट देखी। कॉपर के भाव 0.3% गिरावट के साथ 816.20 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कॉपर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 805 से लेकर 790, रेजिस्टेंस 835 से लेकर 845 का हो सकता है। यहाँ पर अगर हम वीकली टारगेट की बात करें तो ऊपर में 825 से लेकर 830 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में तेजी देखने को मिली है तो यहाँ पर हम बेस मेटल की डिमांड बढ़ती हुई देख सकते हैं और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जिंक के भावों में हमने एक शानदार तेजी आते हुए देखी और जिंक के भाव 5.5% की तेजी के साथ 356.10 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमने बढ़त बनते हुए देखी। हालांकि पिछले हफ्ते भी हमने पॉजिटिव ट्रेंड देखा था, हमें लगता है कि इस हफ्ते भी आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। हालांकि हायर लेवल पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है जो देखी जा सकती है, मगर हमें लगता है कि ऊपर में भाव एक बार 360 से लेकर 365 के स्तर को छू सकते हैं। कॉपर जिंक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 345 से लेकर 330, रेजिस्टेंस 365 से लेकर 375 का रहेगा। टारगेट ऊपर में 360 से लेकर 365 का मार्केट दिखा सकता है। 365 के आसपास आने के बाद हमने एक अच्छी खासी सेलिंग दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि जिंक धीरे धीरे ओवरबॉट जोन में जाता हुआ दिख रहा है, जहां पर हम एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हायर लेवल पर बिकवाली का ट्रेड बनाएं, लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं करेंसी मार्केट की।
हम अब बात करेंगे एनर्जी सेगमेंट की। हमने देखा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने करीबन 12.29% की गिरावट देखी और क्रूड के भाव करीबन 7,559 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। क्रूड के भावों में हमने 12% से ज़्यादा की गिरावट आते हुए देखी। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा क्रूड के भाव 103-104 डॉलर के स्तर पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। WTI के भाव 100 डॉलर के नीचे भी आते हुए दिखाई दिए। क्रूड के भावों में हमने देखा कि जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव आता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है हमने देखा उसकी वजह से क्रूड के भावों में नरमी का रुख देखने को मिला है। और शंघाई में फ्रेश कोरोना वायरस के केस बढ़ने की वजह से भी क्रूड की डिमांड कम होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से क्रूड के भावों में नरमी का ट्रेंड आते हुए दिखाई दिया है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो क्रूड में 7,000 के आसपास सपोर्ट लेवल रहेगा और रेजिस्टेंस लेवल करीबन 8,450 का रहेगा। हमारा मानना है क्रूड के भावों में गिरावट देखी जा सकती है और भाव नीचे करीबन 7,000 से लेकर 6,900 तक के लेवल को दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस के भावों में हमने बढ़त आते हुए देखी और नेचुरल गैस के भाव करीबन 2.60% की तेजी के साथ 437.50 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 420 से लेकर 405, रेजिस्टेंस 450 से लेकर 460 का रहेगा। हमारा मानना है नेचुरल गैस के भावों में एक अपसाइड मोमेंटम देखी जा सकती है और ऊपर में टारगेट करीबन 450 से लेकर 460 के बीच देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। अब हम बात करते हैं करेंसी मार्केट की। करेंसी मार्केट में हमने देखा USD INR करीबन 0.38% के एप्रिसिएशन के साथ ट्रेड होता हुआ देखा गया। हमने रुपी में एप्रिसिएशन आते हुए देखा। रुपी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 75.50 से लेकर 75, रेजिस्टेंस 76.60 से लेकर 77 का हो सकता है। यहाँ पर जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी 75 से लेकर 76.30 के बीच रहेगी। हमें लगता है कि USD INR में रुपी अप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है, मीन्स USD INR में बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि GBP INR में हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी और 0.82% की गिरावट के साथ GBP INR करीबन 99.74 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। GBP INR में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 99 और 98.20, रेजिस्टेंस 100.60 और 101.20 के बीच रहेगा। हमारा मानना है यहाँ पर पिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर 99 से लेकर 98.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो GBP INR के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी की। हमने देखा एग्रीकल्चर कमोडिटी में पिछला हफ्ता काफ़ी शानदार रहा, जहां हमने ग्वार सीड के भावों में 8% ज़्यादा की तेज़ी देखी, वही हमने मसालों के अंदर और मेंथा ऑयल के अंदर एक रंगत लौटती हुई देखी। ग्वार के भाव पिछले हफ्ते 8% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए और करीबन 6,667 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट हाई लेवल था और इस साल का भी हाई लेवल देखने को मिला। हमें लगता है ग्वार सीड के भावों में आने वाले दिनों में तेज़ी का ट्रेंड और देखने को मिल सकता है। फ्रेश डिमांड आने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्वार सीड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 6,400 से लेकर 6,200 के बीच रहेगा, रेजिस्टेंस 6,950 का हो सकता है। हमें लगता है ग्वार सीड में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, ऊपर में टारगेट 6,950 तक के लेवल को दिखा सकता है। अब हम बात करते हैं टर्मरिक की। तो टर्मरिक के अंदर हमने अच्छी खासी तेज़ी बनते हुए देखी। टर्मरिक के भाव ऊपर करीबन 4.63% की तेज़ी के साथ 9,224 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। टर्मरिक के अंदर हमने फ्रेश डिमांड आने की वजह से भाव तेज़ होते हुए देखे। टर्मरिक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 8,700, रेजिस्टेंस 9,800 का हो सकता है। हमें लगता है अगले हफ्ते भाव यहाँ पे तेज़ी के साथ रहेंगे और ऊपर में 9,800 तक के लेवल टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। मेंथा ऑयल के अंदर हमने अच्छी खासी शानदार तेज़ी आते हुए देखी। लोअर एकरेज होने की वजह से भावों को सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया और मेंथा ऑयल के भाव पिछले हफ्ते 4.75% की तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए करीबन 1102.50 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। मेंथा ऑयल में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1050 और रेजिस्टेंस 1200 पर रहेगा। हमें लगता है यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, ऊपर में टारगेट 1150 से लेकर 1200 तक के लेवल दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो एग्रीकल्चर कमोडिटी में आने वाले हफ्ते में हम तेज़ी के साथ ट्रेड दे सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी के साथ ट्रेड बना के चला जा सकता है। वहीं गोल्ड सिल्वर में नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है, क्रूड के अंदर नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है और इक्विटी मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड में ट्रेड देखने को मिल सकता है। रुपी भी यहाँ पे अप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। तो ये था हमारा वीकली आउटलुक, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। ऐसी शानदार वीडियोज़ के लिए आप IIFL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, IIFL का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, IIFL का ट्विटर चैनल सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको अपने पोर्टफोलियो से संबंधित काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि आपको ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। इसी के साथ IIFL के साथ बने रहिए। धन्यवाद। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी।
तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप खुशियों की अपनी दुकान।